हेलो मेकअप लवर्स, मैं सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये 8 आईलाइनर जो कि कर्व्स एंड लैशेस बाय एनके यानी निधि काटियार का लॉन्च है। और ये सारे के सारे आईलाइनर्स उनके कर्व्स एंड लैशेस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो आज रिव्यू शेयर करूंगी, स्वॉचेस शेयर करूंगी। बाय द वे मैं बताना चाहती हूँ, आई एम लविंग दिस। ये बहुत अफोर्डेबल एंड बहुत अमेजिंग है। निधि काटियार ने अभी न्यूली इसे लॉन्च किया है, उन्होंने मेकअप लाइन लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने आई थिंक ये सबसे पहला ये आईलाइनर्स ही लॉन्च किया है, और वो स्किन केयर में भी अभी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। आई होप कि निधि काटियार ऐसे ही न्यू लॉन्च करती रहे और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। हमारा प्यार और सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहे। तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये है कर्व्स एंड लैशेस के आउटर पैकेजिंग का एक लुक। जो कलर का आईलाइनर है वही कलर का आउटर पैकेजिंग आपको मिलेगा। जो डिटेल्स आउटर पैकेजिंग में मेंशन की हुई है वही आपको आईलाइनर के एप्लीकेटर के पे एक टैग की तरह देखने को मिलेगा। उसमें सारी डिटेल्स है। 8 ml इसकी क्वांटिटी है, 199 इसका प्राइसिंग है। 3 years की आपको यहाँ पे शेल्फ लाइफ मिल जाती है। ये एक लिक्विड आईलाइनर है और 8 डिफरेंट वाइब्रेंट शेड्स में आपको मिलता है। इसमें आपको 4 मैट शेड मिलेगा और 4 मेटालिक शेड मिलेगा। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। ये स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ, फ्लेक प्रूफ और पील प्रूफ है कि नहीं, इसका मैंने टेस्ट एकदम वीडियो के लास्ट में किया है, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। फिलहाल तो ये कर्व्स एंड लैशेस के वेबसाइट में मिलता है, बट अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी शायद जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें 2 ब्लू कलर है और 2 ग्रीन। इसका कंपैरिजन भी मैंने आगे आपको स्वॉचेस में बढ़िया से दिखा दिए हैं। तो ये सारे शेड्स, और अभी हम चलिए इनका टेस्ट कर लेते हैं। अभी तक तो फिलहाल ये स्मज नहीं किया है, और वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट हम इसका कर लेते हैं, वाटर प्रूफ टेस्ट इसका कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वाटर स्प्रे किया, ये वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिलकर मेल्ट नहीं हुआ। अगर ये वाटर प्रूफ नहीं होता तो ये वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिलकर मेल्ट कर जाता। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, चाहे कितने भी हाई एंड ब्रांड का आप आईलाइनर यूज़ करो, अगर वो पानी के साथ मिल गया और आप उसे टच करोगे तो वो वहाँ से निकल ही जाएगा, हट ही जाएगा। तो ये चीज़ इसके साथ भी है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आ गया होगा सब कुछ। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन होना तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं सुनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक।